PA3 tuition point. हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनिकेत चौहान फ्रॉम क्लास 8 और आपका अपने YouTube चैनल PA3 tuition point में स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स के RS अग्रवाल। हमारा चैप्टर है फोर्थ चैप्टर जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिस शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PMI। इसकी एक ही एक्सरसाइज है और एक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हम वीडियो अपलोड कर देंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है PMI का, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। लेट PN बी 1+2+3+...n मीन्स इसके अंदर भी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, इन्फिनिट अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज हैं, इक्वल्स टू n(n+1)/2। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने देखा था P1 को हमें पहले ट्रू करना पड़ता है, फिर PK को हमें ट्रू मानना पड़ मान के PK प्लस 1 को ट्रू करना पड़ता है। ठीक है, तो पहले P1 को ट्रू करते हैं। P1 क्या है हमारा, 1 है ना, क्यों देखो n है ना, इसका मतलब n की जगह हम 1 भर देंगे, तो 1 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा इक्वल्स टू यहाँ पे 1 × 1+1/2 इक्वल्स 1 × 1+1, तो ये हो जाएगा 1 × 2 1 × 2/2 है ना। तो ये क्या आ जाएगा, 1 × 1 × 2/2, डॉट का मतलब इंटू होता है, 2 से 2 कट जाएगा है ना, कैंसिल हो जाएगा, 1 = 1, हैंस वेरीफाइड। तो P1 इस पूरी स्टेटमेंट के लिए, PN स्टेटमेंट के लिए वेरीफाइड है। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, PK को हम अब ट्रू मानेंगे, PK को ट्रू मानेंगे, तो PK को पहले लिख देते हैं, हमें क्या ट्रू मानना है, 1+2+3+...n की जगह k भर देंगे इक्वल्स k+1/2 है ना, ये हमारा PK हो गया। इसे हमें ट्रू मानना है कि ये जो ये वैल्यू है इक्वल्स टू दिस वैल्यू है ना, इसे ट्रू मानना है। अब नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, हमें क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट PK+1 क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, K एक टर्म है, तो K की दूसरी टर्म क्या होगी, PK+1 है ना, K+1 होगी हमारी, K है एक टर्म, तो K की दूसरी टर्म K+1। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये एक टर्म थी, इसकी अगली टर्म को हम प्रूफ करेंगे है ना। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये एक टर्म है, इसकी अगली टर्म को अगर हमने प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब किसी भी टर्म को हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो PK+1 आ गया, PK+1 क्या आएगा, 1+2+3+...। अब PK+1 मैंने बोला था K+1 के पहले आएगा K, मतलब K आएगा उसके बाद K+1 आएगा है ना, मैंने बोला था, तो पहले यहाँ पे K लिख देंगे प्लस K+1 लिख देंगे, K+1 को हर जगह ब्रैकेट में रखेंगे, नहीं तो चांसेस हैं कि आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, ब्रैकेट में रखेंगे हम, इक्वल्स टू K+1 भर देंगे, K+1 आ गया हमारा, और हमारा ये हो जाएगा K+1+1/2, हमारा ये क्वेश्चन बन गया। अब हमें इसे प्रूव करना है ना, आप डायरेक्ट इक्वल टू मत लिखना, आप हमें इसे क्या करना है, मैंने लिखा है वी हैव टू प्रूव दैट, हमें इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है ना। अब इसके आगे क्या करेंगे, हम LHS को लेंगे, LHS इक्वल्स टू, LHS क्या इक्वल है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इतना जो है हमारा, इतना जो पोर्शन है वो इसके इक्वल है ना, इसके इक्वल है, इसकी वैल्यू क्या निकाली थी हमने, K+1/2 भर दो उसमें, तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे प्लस का साइन ध्यान रखना, K+1/2+K+1, ठीक है, +K+1 LHS है, अभी RHS नहीं ले रहे हम, तो इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा। ठीक है, अब आगे डालते हैं, आगे इसको इक्वल टू करते हैं, K+1 K+1, अब ये फ्रैक्शन बन गए दो है ना, अपॉन वन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो टू से, तो K+1+2K+2 कैसा आया, 2K+2 है ना, 2K+2 मल्टीप्लाई कर दिया हमने, अपॉन में है हमारा 2 है ना, अब अपॉन में हमारा 2 है, हम ऊपर देखेंगे, अब हम सॉल्व नहीं कर सकते, कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपलीफाई करेंगे इसे थोड़ा सा, हम इसे एक ऐसी इक्वेशन बना सकते, हम इसे ऐसी इक्वेशन बनाएंगे जो सॉल्व हो पाए, तो K² + K(K)(1)+2K+2/2, ठीक है, ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, यहाँ पे K² + K और 2K लाइक टर्म्स है ना, K और 2K लाइक टर्म्स है हमारी, तो हम क्या करेंगे, K+2K 3K हो गया, तो हमारा ये किसके इक्वल हो गया, K² + 3K+2 है ना, इसके इक्वल हो गया अपॉन 2, ये हमारा अब आया,
आपको ये पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वो फैक्टर निकालने के फॉर्मूला होता है। अगर इसके फैक्टर जो आ जाए, देखो अब 1/2 तो आ गया हमारा, 1/2 में आ गया, हमें क्या चाहिए अभी, k+1 इस थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, k+1 और k+2 है ना, हमें क्या चाहिए, k+1 k+2/2। तो ये क्या है, ये फैक्टर लग रहे हैं हमें, है ना, इन्हें मल्टीप्लाई करके कुछ आ रहा होगा। तो या तो आप इसको RHS को लेकर कर लो इससे इक्वल, या फिर LHS को लेकर उस RHS को इक्वल कर लो। मैं LHS से चलूँगा, आप उससे आराम से कर सकते हो, मल्टीप्लाई करनी है बस, ठीक है। अगर ये इसके इक्वल आता है तो आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू k² + 3k + 2, इसका क्या हो जाएगा, वो 2k + 3 आ जाएगा, है ना, 2k + k 2 into 1। तो इसको कर लेते हैं हम, k² + 2k + k + 2, यही हमारा क्वेश्चन है। हम k को कॉमन ले लेंगे, k+2 + 1 k+2, तो हमारा क्या गया, k+2 k+1, हमारे k+2 k+1 हमारे फैक्टर्स आ गए अपॉन टू। अब देखिए ये क्या है, ये क्या है, ये इसके इक्वल है, k+1 k+2 कमेंटेटिव होता है ना, इससे इसको मल्टीप्लाई, इससे इसको मल्टीप्लाई, बातें की होती है, प्लस है माइनस नहीं, ठीक है। ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, इक्वल्स टू किसके, RHS, है ना, RHS के इक्वल हो गया। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, LHS इक्वल्स टू RHS, तो क्या हो गया, हमारा इक्वेशन प्रूव हो गई। तो इसके आगे क्या लिखेंगे, PK+1 इज ट्रू, हेंस PN इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर, ठीक है। मतलब ये जो स्टेटमेंट PN है वो सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए, आगे की वीडियो के लिए ये वाली वीडियो पे क्लिक कीजिए और यहाँ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।